वेलकम यू ऑल टू चरी फंडा। ये कल का टॉपिक था इंसर्जेंसी का, ऐसे राइटिंग के ऊपर, बट ड्यू टू टेक्निकल इशू अपलोड नहीं हो पाया तो आज अपलोड हो रहा है लेक्चर। एनी वेज, इंसर्जेंसी कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, इंसर्जेंसी हो गया, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। अगर आप सिक्योरिटी के अंदर टॉपिक्स देखोगे तो बॉर्डर एरिया के या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के या नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी की टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इन टॉपिक्स के ऊपर राइट अप आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। तो चलिए आज ऐसे राइटिंग का जो टॉपिक था वो था इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन हमने इस बार स्टार्ट करा है नॉर्थ ईस्ट से, हम इंसर्जेंसी के बारे में बता रहे हैं तो हमने इस बार जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करा है वो हमने नॉर्थ ईस्ट के प्रॉब्लम के साथ डिस्कस करते हुए उसकी इम्पॉर्टेंस बताई है। जैसे हमने इस बार स्टार्ट करा है, फॉर डिकेड्स स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन हैड सफर्ड इंसर्जेंसी, द अटमोस्ट रीजन कैन बी डिस्क्राइब एज द ट्राइनी ऑफ डिस्टेंस सिंड्रोम। बेसिकली ट्राइनी ऑफ डिस्टेंस सिंड्रोम का मतलब है कि क्योंकि वो मेन लैंड से थोड़ा दूर हो जाता है, जिस वजह से एक प्रॉब्लम आती है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, ये इसको बोलते हैं ट्राइनी ऑफ डिस्टेंस सिंड्रोम। उसके बाद हमने बताया है कि उसकी जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। द जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन लाइज इन इट बींग एन इम्पॉर्टेंट गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया। आप सबको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंटल वर्क को प्रमोट कर रही है। उसके पीछे यही रीज़न है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा गेटवे है। अगर आप देखो चिकन नेक कॉरिडोर, वो बहुत ही एक नैरो पैसेज है, तो जो एक हो जाता है ना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। और दूसरा, जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया से जो कनेक्टिविटी होती है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के थ्रू ही होती है, इसलिए हम बोलते हैं अवर नॉर्थ ईस्ट रीजन इज़ अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद हमने ये बताया कि अभी जो प्रेजेंट में अगर आप देखो पहले के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन आया है इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स में, तो हमने उसको एक डेटा के थ्रू प्रेजेंट करा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA एनुअल रिपोर्ट 2021, द सिक्योरिटी सिचुएशन इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इम्प्रूव सब्सटैंशली सिंस 2014, बट द रीसेंट टर्मोइल इन द रीजन इंडिकेट्स द एग्जिस्टिंग ग्रे एरिया इन द सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट। अच्छा, हमने स्टार्ट करा था इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अ लॉन्ग फाइट अहेड, तो हमें बेसिकली उसमें ये डिस्कस करना है। हमने स्टार्ट करा था इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर, तो हमें बेसिकली इसमें ये डिस्कस करना है कि अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो अभी तक इंसर्जेंसी कंटिन्यू हो रही है। हम इंसर्जेंसी के बारे में बता रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, तो सबसे पहले हम उसके मेन बॉडी में रीजंस देंगे और फिर सॉल्यूशन देंगे या फिर गवर्नमेंट के जो स्टेप्स लिए गए हैं सजेशंस वो ही देंगे। 300 वर्ड के ऐसे में आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते हो, तो आप अपने वर्ड्स को ना वेस्ट करते हुए ये दो चीज़ बतानी है इस ऐसे में। तो हमने नॉर्थ, जब हमने इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करा तो हमने जो लास्ट लाइन छोड़ी है, देखिए जैसे लिंक करने के लिए हमने लास्ट लाइन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये बताया कि इंसर्जेंसी के इंसिडेंट्स एक्चुअली कम हो गए हैं। उसके बाद बताया कि कम होने के बावजूद भी एग्जिस्टिंग ग्रे एरिया है सिक्योरिटी मैनेजमेंट के स्टेट में, ताकि हम ये बता दें कि इंसिडेंट्स अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। तो अब हम इंसर्जेंसी के मेन बॉडी में अब डिस्कस करेंगे रीजंस क्या है। द डिकेड लॉन्ग इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इज ड्यू टू, फर्स्टली देयर आर मोर देन 50 एथनिक राइवल ग्रुप्स हु डिमांड सेसेशन फ्रॉम द कंट्री। अलग अलग ग्रुप है जिनकी अलग अलग डिमांड है, क्योंकि उनकी एथनिसिटी अलग है। और जब अगर आप सब एथनिसिटी की बात करें हो, उनके अंदर जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो भी आपस में लड़ते रहते हैं कि उन्हें, क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर एरिया है, डोमिनेंस चाहिए उसके ऊपर। जैसे अगर आप देखो मेथी वाला ग्रुप हो गया या नागा हो गया, सबकी अपनी अलग डिमांड है, इसलिए एक कांस्टेंट फाइटिंग रहती है और सबकी डिमांड अलग है। तो एड्रेस करना, अगर आप एक सिंगल ग्रुप हुई एक्टिव है वहाँ पे, आप उसकी डिमांड को एड्रेस कर रहे हो तो वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। अगर सारे ग्रुप की अलग डिमांड है और बहुत सारे तरह के ग्रुप है, तो आप किससे बात करोगे, किसको एड्रेस करोगे, किसकी डिमांड को मानोगे, वो मुश्किल हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम गेट्स कंपाउंडेड व्हेन न्यूमरस ट्राइबल ग्रुप स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट वन अनदर फॉर डोमिनेंस इन द रीजन। ये हमारा पहला पॉइंट है। सेकंड है डेमोग्राफिक चेंज। जब माइग्रेशन होता है बहुत ज़्यादा, या इलीगल माइग्रेशन जिसे हम बोलते हैं वो होता है, तो जो एक डेमोग्राफी होती है किसी रीजन की वो चेंज हो जाती है। वही हुआ है नॉर्थ ईस्ट के साथ। इलीगल माइग्रेशन ने वहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर दिया और जो एग्जिस्टिंग एवेन्यू थे
एम्प्लॉयमेंट के या रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया, इस वजह से एक इंसेंटिमेंट मतलब इसे कहते हैं ना एक इंसेंटिविटी या इनसिक्योरिटी की फीलिंग फ्यूल कर दी है वहाँ पे, तो वही हमने कोट करा है. सेकेंडली डेमोग्राफिक चेंजेस, द इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान नाउ कॉल्ड एज बांग्लादेश इनटू असम लेड टू अ ड्रामेटिक चेंज इन द डेमोग्राफिक लैंडस्केप ऑफ द रीजन. द फाइट फॉर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रीजन हैज फ्यूल्ड द फीलिंग ऑफ डिवीजन. तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी एवेन्यूज़ बहुत कम थे, ऊपर से आप कहीं की भी डेमोग्राफी चेंज करोगे तो वहाँ पे आपको जो ओरिजिनल पीपल है उनका बैकलैश विटनेस करने के लिए मिलेगा, वही नॉर्थ ईस्ट में भी हुआ है. थर्डली देर इज इंक्रीजिंग एविडेंस ऑफ चाइनाज रिवाइवल ऑफ इट्स कोवर्ट ऑफेंसिव इन द रीजन. बेसिकली बहुत ज़्यादा हाथ पता चला है कि देयर इज वेरी मच फॉरेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइना पाकिस्तान इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. तो ये होता है ना कहीं आपका ग्रे एरिया आपकी सिक्योरिटी में, कि फॉरेन आपकी फॉरेन पावर्स हेल्प कर रही है जो आपकी इंसर्जेंट ग्रुप्स है, तो वो स्टेट को और डीस्टेबलाइज कर देता है. तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप ऑल्सो ट्रेन द नागा गोरिल्लाज इन द 1962 टू देयर बेसिस इन ईस्ट पाकिस्तान. फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड थस दे वर इजीली ल्यूर्ड बाय द इंसर्जेंट्स. And lastly, Myanmar acting as a base for insurgent, which makes it a challenge for security forces. Myanmar एक base की तरह काम करता है. अगर इसका example हम देखें, क्योंकि space बहुत कम है हमारे पास, words कम हैं, इसलिए हमने लिखा नहीं है इसमें, but इसका एक बहुत ही classic example है. surgical strike की अगर बात करें तो वो सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, वो म्यांमार में हुई थी. जैसे हमें उरी का पता है, तो उरी से पहले वो एक्चुअली में म्यांमार में हुई थी, और वो इसलिए हुई थी बिकॉज जो इंसर्जेंट्स थे वो बार बार अटैक करके, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करके, वो एरिया क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके अपने जो कैंप होते हैं क्रॉस बॉर्डर एरिया में, वहाँ चले जाते थे. तो इसका बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है कि म्यांमार में कितने एक्टिव बेसिस थे वहाँ पे. अब हमारा ये कम्प्लीट हो गया है. अब लास्ट पैराग्राफ में देखो, ऑलरेडी अगर आप देखो तो हमने रीजंस डिस्कस करने में काफ़ी सारे वर्ड्स एक्चुअली में यूटिलाइज कर लिए हैं, तो हम टू द पॉइंट रीजन डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, ज़्यादा वर्ड्स का वेस्टेज नहीं करना है. आपको ध्यान रखना है कि वर्ड्स आप बहुत ज़्यादा एक्सीड भी ना कर दो और सारे प्रॉब्लम्स या जो भी कंटेंट है वो डिस्कस भी हो जाए. तो हम यही करते हैं. अब अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्रीज डेटा रिलीज इन 2019 रिवील्स दैट इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज़ बीन डिक्लाइनिंग सिंस 2014. अब बाकी हमने यहाँ पे सबसे पहले हम क्योंकि सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं तो हमने सबसे पहली लाइन यही लिखेंगे कि इंसर्जेंसी की जो इंसिडेंट है वो डिक्रीज होने शुरू हो गए हैं. अदर स्टेप्स दैट कैन बी टेकन आर सिस्टम ऑफ वर्क परमिट शुड बी इशूड सो दैट इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट डू नॉट एंड अप एज इंडियन सिटीजन. आपको वर्क परमिट इशू करने के लिए पीछे जो मेन रीज़न वो यही है कि जैसे बोलते हैं ना इलीगली माइग्रेंट होकर लोग आते हैं इन द सर्च ऑफ वेन्यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट, बट लास्ट में वो इलीगली यहाँ पे इंडियन सिटीजन बनने के लिए ट्राई करते हैं, ना सेटल हो जाते हैं, तो डेमोग्राफी तो इफेक्ट होती है वहाँ से. और फिर लास्ट में आधार कार्ड तो आपको पता है बनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो वो एक तरीके से मिसमैच हो रहा है आपकी सिक्योरिटी के साथ स्टेट की. तो इसलिए बोला गया कि आप वर्क परमिट इशू करना स्टार्ट करिए. सेकेंडली ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शुड बी एम्पावर. ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपने सबने पढ़ा होगा, ये पॉलिटी का पार्ट है. बेसिकली ये प्रमोट करता है आपका लोकल लेवल गवर्नेंस को, क्योंकि हर जगह पे आपको ना पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लोकल लेवल गवर्नेंस को आपको इन्हांस करना चाहिए ताकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो सके. तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को और प्रमोट करो, उन्हें स्ट्रेंथन करो, ताकि जो लोकल इश्यूज़ है या फिर जो आसपास के कंसर्न है वो एड्रेस हो सके और एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सके. उसके बाद हमने लास्ट में दिया है स्ट्रिक्ट सुपरविजन बाय सीनियर ऑफिसर शुड बी इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द डिलीवरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. बेसिकली यहाँ पे ये मतलब है कि जो आपके अवेन्यूज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के और जो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जैसे पॉलिसी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, वो डायरेक्टेड पॉपुलेशन तक पहुँचे. ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेकर आ रही है, कोई डेवलपमेंटल वर्क लेकर आ रही है, या कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट या कुछ ऐसा लेकर आ रही है, और जो डायरेक्टेड हमारे सिटीज़न हैं, जो टारगेटेड सिटीजन है, वो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं और बीच में करप्शन की वजह से लॉस्ट हो जाए. तो इसलिए है कि गवर्नमेंट का जो वर्क है वो टारगेटेड सिटीजन तक पहुँचे, तो हमने वही लिखा है. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हर जगह बोली जाती है वो है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इंक्रीज करनी चाहिए लोकल पॉपुलेशन में, ताकि इंसर्जेंसी के इंसिडेंट हो या फिर लोन वुल्फ अटैक हो या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, उनको हम काउंटर कर सकें. तो इस तरीके से लिख के हमने ये पूरा एसे हमारा कम्प्लीट करा है.
देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको आना चाहिए, जैसे नेशनल सिक्योरिटी के कुछ गिने चुने टॉपिक ऐसे हैं जो आपको ऑन द, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऑन द स्पॉट लिखने की एकदम प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये उन्हीं में से टॉपिक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का भी उन्हीं में से टॉपिक हो गया। तो अब आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी टाइम रह गया है, तो आई होप आप लोगों ने ये सब प्रिपेयर कर रखे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ आया हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।